इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया टीवी और वॉइस ऑफ एमपी में आपके साथ सिमरन। इस वक्त के अपडेट की बात करें तो इंदौर पुलिस ने हाईटेक सेक्स रैकेट को पकड़ा है। इसे बकायदा वेबसाइट बनाकर चलाया जा रहा था। पुलिस ने मंगलवार को स्कीम नंबर 154 से गुरुग्राम और रायसेन की दो युवतियों समेत 7 लोगों को पकड़ा है। शहर के कुछ कारोबारी और बिल्डर के भी इस रैकेट से जुड़े होने की बात सामने आ रही है। आरोपियों ने वेब डेवलपर्स की मदद से अपनी एक्सकोर्ट सर्विस की वेबसाइट तैयार की और वही वेबसाइट इतनी हाईटेक है कि इसे ओपन करते ही कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप के जरिए कस्टमर सीधे कनेक्ट हो जाते थे। इस पर तत्काल संलग्न कस्टमर्स को अपने पास उपलब्ध एक्सकोर्ट सर्विस के युवतियों के फोटो भेज देते और वही डील तय होने पर युवतियों को उन तक भेज देते थे। युवतियां दलाल नीरज के जरिए होटल या फिर कस्टमर्स के फ्लैट तक जाती थी। वही सेक्स रैकेट के संलग्न ने वेबसाइट का फेसबुक पेज भी बना रखा था। इस पर भी मैसेज के जरिए डील होती थी। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है और वही रैकेट में पकड़ी गई लड़कियां कभी दिल्ली में जॉब करती थी, ज्यादा पैसा कमाने के लिए इस पेशे में उतर आई। एसपी आशुतोष बागरी ने बताया कि दलाल नीरज वेबसाइट के जरिए कस्टमर खोजता था और इसके बाद डील पक्की होने पर युवती को कहां पहुंचाना है, किस गाड़ी से वह पहुंचेगी, गाड़ी के नंबर से लेकर सभी वही फाइनल करता था। उसने इंदौर के लसुड़िया थाना इलाके में स्कीम नंबर 114 में 8 महीने पहले फ्लैट किराए पर लिया था और यहीं से सेक्स रैकेट चल रहा था। तो ये था सबका बड़ा अपडेट। लगातार अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ वॉइस ऑफ इंडिया टीवी और वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।